हालांकि ये नया नहीं है, किम सेवा में लड़कियों को तैनात करना उत्तर कोरिया के सरकारी कामकाज का हिस्सा है। आज देखिए वहशी के वैलेंटाइन केक की कहानियां। किम जोंग उन एक देश का नौजवान तानाशाह जो अपने पिता की मौत के बाद ही गद्दी पर बैठ गया। किम को केवल तीन चीजों से ही लगाव है, पहला मिसाइल, दूसरा लड़कियां और तीसरा है पैसा। किम जोंग के पहले बारूद का शौक के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। अमेरिका भी किम के बारूदी इरादों से खौफ खाता है, लेकिन किम के दूसरे शौक से उसके ही देश की लड़कियां खौफ में आ जाती हैं। कॉलेज में मौज मस्ती करने वाले दिनों में किम को पावर मिल गई। किम अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल अपनी हवस को मिटाने के लिए करने लगा। वो देश की सुंदर लड़कियों को अपनी सेवा में हाजिर रहने के लिए चुनने लगा। आज एक लड़की बाद सन की राजा की वैलेंटाइन की एक एक करके 21 कहानियां आपको सुनाएंगे। किम जोंग उन तमाम प्रेमिकाओं के बीच रहा है। बहुत सी जीवित हैं, बहुत सी इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत सी प्रेमिकाओं का नाम रिकॉर्ड में मौजूद है, बहुत सी लड़कियां गुमनाम हैं। लेकिन इन बहुत सी लड़कियों में एक लड़की ऐसी है जो किम की प्रेमिका भी रही और किम की पत्नी होने के बावजूद आज भी किम के सबसे करीब है। उस लड़की का नाम है योन। योन तानाशाह की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी है। योन के बारे में फेमस है कि वो किम की सबसे चहेती थी। कहा जाता है कि योन तानाशाह की नजर में पहली बार तब आई जब वो मोरान बोंग नाम के एक बैंड की लीड सिंगर हुआ करती थी। ये बैंड अपने गानों से नॉर्थ कोरिया को प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। योन पहली बार सुर्खियों में तब आई जब दिसंबर 2012 में उन्होंने चीन के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह थी चीन के अधिकारियों ने स्टेज के बैकग्राउंड पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च की फोटोज दिखाने से मना कर दिया था। इसके बाद योन अपने पूरे बैंड के साथ वापस अपने देश लौट गए। इसके बाद किम योन से बहुत खुश हुआ था। किम और योन की आशिकी के चर्चे कोरिया और चीन तक फैले हुए हैं, लेकिन योन की बेवफाई के किस्से भी सरेआम हुए हैं। अगस्त 2013 में योन की मौत की खबरें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि किम ने योन को सेक्स टेप बनाने के आरोप में फायरिंग स्क्वाड से मरवा दिया, लेकिन एक साल बाद योन के नेशनल टेलीविजन पर लाइव खड़ी हो गई और किम की प्रेम कहानियों के चर्चे फिर से सरेआम हो गए। इस बार किम ने योन को अपनी सबसे खास अधिकारी बनाकर दक्षिण कोरिया में खेलों की तैयारी का जायजा लेने के लिए भेजा था। कहानियों में किम की कई रातों के किस्से हैं, लेकिन इस वैलेंटाइन पर किम ने अपनी प्रेमिका योन पर जमकर दौलत बरसाई है। किम ने योन को गिफ्ट में उसके बैंड को दक्षिण कोरिया में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में प्रस्तुति देने का गिफ्ट दिया है। जिसे आप देख पा रहे हैं ये किम की प्रेमिका है और उत्तर कोरिया में इस वक्त इसका रुतबा किम, किम की बहन, किम की बीवी के बाद चौथे नंबर पर है। कहते हैं योन किम के लिए लड़कियां चुनने का भी काम करती है। प्रेमिका योन एक बैंड चलाती है जिसका नाम मोरान बोंग है और मोरान बोंग में जिन लड़कियों को रखा जाता है उनको किम जोंग उन खुद चुनता है। कहते हैं जितनी भी लड़कियां मोरान बोंग में काम करती है किम किसी भी वक्त उनको सेवा में हाजिर होने का हुक्म सुना देता है। उत्तर कोरिया में मोरान बोंग बैंड पे काम करना बहुत ही सम्मान और गर्व की बात मानी जाती है। किम जोंग अपनी सेवा में तैनात हर नई प्रेमिका के लिए दौलत के पहाड़ खड़े कर देता है। किम जोंग
का विवादों से काफी गहरा नाता है। इस वैलेंटाइन डे पर किम ड्रोन के बारे में एक नई और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि किम ड्रोन उनके लिए एक प्लेजर स्क्वाइड तैयार किया जाता है। इस प्लेजर स्क्वाइड में नई उम्र की और खूबसूरत लड़कियां शामिल की जाती है। किम की अयाशी के लिए उसके सरकारी अधिकारी लड़कियों का एक ग्रुप तैयार करते हैं। इस ग्रुप को प्लेजर स्क्वाइड नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्क्वाइड में लड़कियों को भर्ती करने के लिए सीधे क्लासरूम से ही उठा लिया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्लेजर स्क्वाइड में लड़कियों को शामिल करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और अगर वो वर्जिन होती है तभी उनको स्क्वाइड में शामिल किया जाता है। इन लड़कियों को तानाशाह कभी भी सेक्सुअल प्लेजर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके बदले में उन्हें पैसे और गिफ्ट्स मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्वाइड में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र मात्र 13 साल है। तानाशाह किम जोन नई उम्र की लड़कियों को अपनी सेक्स पार्टी के लिए इस्तेमाल करता है। इस वैलेंटाइन डे पर विदेशी अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक किम जोन ने अपने अधिकारियों से आदेशित किया था कि लंबी और खूबसूरत लड़कियों को इस ग्रुप के लिए रिक्रूट करो। आपको बता दें, स्क्वाइड में शामिल होने वाली लड़कियों को कड़ी सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि तानाशाह के प्लेजर स्क्वाइड में शामिल होने की एकमात्र योग्यता लड़की का खूबसूरत होना हो। चुनी गई लड़कियों की मेडिकल हिस्ट्री को बारीकी से परखा जाता है। वक्त वक्त पर खूबसूरत लड़कियों का फिजिकल टेस्ट भी होता है। गुनाहों के देवता किम जोन उनके इन कहानियों पर यकीन करवाना मुश्किल है, लेकिन धरती पर अधर्म का नाम ही किम जोन उन है। अलग अलग वक्त पर किम की नारकीय कैद से फरार होकर जिंदा बची लड़कियों ने एक जैसी कहानी बताई है। एक महिला ने साल 2010 में बताया था कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसे स्कूल से उठा लिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने करीब 10 साल तक किम का नर्क भोगा है। किम जोन बचपन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। किम को बचपन ही उसके पिता ने खुद से दूर कर दिया था। किम को स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। किम बचपन में बहुत मोटा था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त नहीं थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ किम ने पैसे के बल पर सब कुछ हासिल कर लिया। बचपन में किम के सिक्योरिटी का हिस्सा रह चुके नाम सुंग बुक के मुताबिक किम जोन उन ने 15 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने गंदी और भद्दी गालियां दी थी, क्योंकि किम की गर्लफ्रेंड ने उसे सिगरेट छोड़ने की गुजारिश जो की। किम बचपन से ही गुस्सैल मिजाज का था। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था तो पैसे देकर किम लड़कियों से दोस्ती करता था। सालों से एक परिवार की तानाशाही में जी रहे उत्तर कोरिया में महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं। उत्तर कोरिया से फरार हुई एक पूर्व महिला सैनिक ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वहां की सेना में शामिल हो गई। उसने बताया कि उत्तर कोरियाई सेना के वरिष्ठ अधिकारी महिला सैनिकों के साथ बार बार बलात्कार करते हैं और किम जोन को सारी बातों की जानकारी होती है, लेकिन किम कोई एक्शन नहीं लेता। उत्तर कोरिया में महिलाओं के साथ ज्यादती की सारी हदें पार होती हैं। यहाँ महिला सैनिकों की जिंदगियां बहुत खराब है। कुपोषण के कारण यहाँ महिलाओं का मासिक धर्म तक रुक जाता है। 6 महीने से 1 साल के काम के बाद ही उत्तर कोरिया में महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है और ये कुपोषण और तनावपूर्ण माहौल के कारण होता है। दुखद बात यह है कि महिला सैनिकों को इस बात पर गर्व महसूस कराया जाता है कि उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। माना जाता है कि साल 2011 में सत्ता पर आसीन होने के बाद किम जोन ने अपने पिता के प्लेजर स्क्वाइड को भंग कर दिया था। किम की शादी सिंगर री सोजू से हुई। उसकी एक बेटी समेत 3 बच्चे हैं। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की उस परंपरा को फिर से जीवित कर दिया है। अंतर बस इतना है कि अब वो लंबी और खूबसूरत जवान लड़कियों को इसमें शामिल करता है। इन लड़कियों को प्योंगयांग के कोरियो होटल के सेंटरपीस में रखा जाता है। प्लेजर स्क्वाइड की सभी लड़कियों को सारी लग्जरी सुविधाएं देने का हुक्म किम की तरफ से मिलता है। इतिहास गवाह है कि एक तानाशाह कभी आम जनता के हितों की परवाह नहीं करता। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोन उन इसका ताजा उदाहरण है। एक तरफ से वो अरबों डॉलर की राशि घातक हथियारों को बनाने में खर्च कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के अंदरूनी हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। आम जनता की दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि उत्तर कोरिया की लड़कियां जान जोखिम में डालकर पड़ोसी मुल्क चीन भाग रही हैं, जहां उनकी शादी ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवकों या बूढ़ों से कराने का कारोबार फल फूल रहा है।
विदेशी अखबार में छपी खबर के मुताबिक सरकार, पुलिस और जासूस विभाग के लोग अलग अलग स्तर पर महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं। यही वजह है वहां से दूसरे देश में भागने वाले उत्तर कोरियाई नागरिकों में 70% महिलाएं होती हैं। हालातों का फायदा उठाने के लिए कई गिरोह सक्रिय हैं जो उत्तर कोरिया के गरीब लड़कियों की शादी चीन के बूढ़ों या ग्रामीण चीन के युवाओं से करवा रहे हैं। ग्रामीण चीन की स्थिति बेहद खराब है और वहां शादी योग्य लड़कियों की कमी है। उत्तर कोरिया के कष्टपूर्ण जिंदगी से बाहर आने के लिए वहां की लड़कियां ये सब काम भी करती हैं। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि लाओस, वियतनाम और थाईलैंड भी लड़कियों को पहुंचाया जा रहा है। किम के सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड में लंबी स्कूली लड़कियों को शामिल किया जाता है। उत्तर कोरिया में किम की सेवा में लगाई गई लड़कियों को गिप्पे मिजो कहा जाता है। 13 साल की खूबसूरत नाबालिग लड़कियों को सैनिक स्कूलों से ही उठा लेते हैं। इसके तहत उन्हें उत्तर कोरिया की सेना में शामिल किए जाने का आडंबर भी रचा जाता है। गिप्पी मजो उत्तर कोरिया के तानाशाह के लिए करीब 2000 महिलाओं और लड़कियों का वो ग्रुप है जिसे तानाशाह के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता है। इसी ग्रुप को तानाशाह का प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। इस स्क्वाड में महिलाओं और लड़कियों की जिम्मेदारी तानाशाह को खुश करने की होती है। इसमें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से लेकर अन्य तरीकों से भी उसका मनोरंजन करने तक काफी कुछ शामिल होता है। तानाशाह और उसके परिवार के लिए लड़कियां हर वक्त तैयार रहती है। कई बार मेहमानों के सामने भी उन्हें इस अनैतिक कार्य के लिए पेश किया जाता है। वक्त में किम की केवल एक एक्स गर्लफ्रेंड ऐसी है जो पब्लिक लाइफ में जीवित है और किम के काम संभाल रही है। बाकी किसी का नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। किम ने अपनी महबूबा को दक्षिण कोरिया भेजा था जहां वो 140 लोगों वाले अपने बैंड के साथ प्रस्तुति दे रही है। ओलंपिक की शुरुआत सबसे लोकप्रिय बैंड मोरांगबोंग गर्ल बैंड ने की है। किम इस वक्त दक्षिण कोरिया के साथ डिप्लोमेसी का गेम लड़कियों के सहारे ही खेल रहा है। खुद उत्तर कोरिया में वैलेंटाइन डे मना रहा है और अपनी बहन और पूर्व महबूबा स्पाइस गर्ल डिप्लोमेसी के लिए काम पर लगा रखा है। इस प्राइवेट बैंड में शामिल मेंबर्स को 2012 में खुद जोंग ने चुनकर अपॉइंट किया था। इस बार भी चीयर गर्ल्स के नाम खुद ही तय किए हैं। से दुश्मनी दूर करने के लिए और लोगों को जिंदा दफन करने के लिए भी विश्व कन्याओं का सहारा लेता है। एक बार फिर चीन से रिश्ते सुधारने के लिए किम ने अपना बैंड चीन भेजा था। किम को उम्मीद थी कि बैंड में शामिल लड़कियां अपनी मुस्कान और आर्ट से चीनी अफसरों और मंत्रियों का दिल जीत लेंगी और हुआ भी वैसा ही था। इस बार यही फॉर्मूला किम ने दक्षिण कोरिया के साथ आजमाया है।